गुजरात और हिंदू संबंधित कुछ शब्द। देखिए, अमृत सेन नोबेल प्राइज विजेता हैं और उनकी वजह से हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। और जो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बोर्ड, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, वो आपत्ति दर्ज करता है कि इसमें से गाय का शब्द है, इसमें हिंदू का शब्द है, हिंदुत्व है, गुजरात है, इन शब्दों को निकाल दें। ये तो कोई बात नहीं हुई। जब अमृत सेन जैसे व्यक्ति के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री में क्या गलती हो सकती, क्या आपत्तिजनक हो सकती है इन शब्दों में? ये तो हमारी आस्था से जुड़े हुए जितने सब शब्द हैं, इनको हटाने के लिए कहो। और जिस प्रकार ये सरकार और इससे जुड़े हुए संस्थान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात कर रही हैं, ये देश के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर जो हालात हैं उसको कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने ये माना है कि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का देन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब फेल हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी को गाली देने लगती है। 3 साल से इनकी केंद्र में सरकार है और जम्मू कश्मीर में इन्हीं की अपनी सरकार है, भाजपा और पीडीपी की मिलीजुली सरकार है। अब उनके पास कोई बहाना तो है नहीं। सीज फायर वायलेशन कई गुना बढ़ गए, जो टेररिस्ट अटैक हैं वो कई गुना बढ़ गए, हमारे जो मिलिट्री एयरफोर्स के बेस हैं उनमें अटैक कई गुना बढ़ गए, और सिविलियंस के ऊपर वो अटैक हुआ है उसमें मौत हुई है। हमारे वीर जवान जो पैरा मिलिट्री फोर्स और आर्मी के वीर जवान हैं वो कई गुना शहीद हुए हैं। तो इसका जवाब तो वो दे नहीं सकते। इसलिए इतिहास की बात करो, भूगोल की बात करो, वस्तु स्थिति की बात ना करो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, पूरी तरह से फेल हुई है। कांग्रेस पार्टी ने खुला इनको आश्वासन दिया है कि देश हित में, वहाँ पर स्थिति सामान्य करने में जो भी कदम आप उठाएंगे हम आपका समर्थन करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। इससे ज़्यादा और हमको इनको क्या चाहिए? लेकिन ये तुच्छ ओछी राजनीति करने के आदि हैं, वही कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के एक नेता द्वारा पोस्ट किया जाता है, फिर उनकी गिरफ्तारी होती है, इस सारे घटनाक्रम को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार इनकी है वहाँ पर गौ रक्षक के नाम से, वहाँ पर काउ विजिलेंट के नाम से, वो विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के लोग जो जगह जगह आतंक फैला रहे हैं, ये उस वही कारण है कि पिछले 3 साल में आंतरिक सुरक्षा निचले स्तर पर गई है। जो सद्भाव का, भाईचारा का वातावरण था वो खराब हुआ है। वो ये कहीं ना कहीं मंथन करने की आवश्यकता है। जो तरह तरह के संगठन जो बने हुए हैं उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कैलाश मानसरोवर लौटते वक्त जो घटना हुई, सांप की मृत्यु, सारी घटना, देखिए अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के ऊपर जो गोलाबारी हुई वो शर्मनाक घटना है। और जो आया कि पाकिस्तान की तरफ से लोग आए थे उनके द्वारा, और यहाँ कुछ मिले हुए लोग उनके द्वारा किया गया, तो ये पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है और इसकी सबसे कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ न कुछ इस तरह का अवश्य होना चाहिए कि उनको लगे कि इतना लाइटली हिंदुस्तान को नहीं लिया जाए। और दूसरा ये भी हमको देखने की ज़रूरत है कि सरकार ने वहाँ निर्णय लिया कि गाड़ियाँ कन्वॉय में चलेंगी, एक साथ चलेंगी, अकेली अकेली गाड़ी नहीं चलेगी, और उस कन्वॉय के साथ में सुरक्षा की व्यवस्था होगी। लेकिन उसके बावजूद एक गाड़ी अलग से जाती है, वो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं कराती है, यात्री श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, उनको सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। वो उनका दोष हो सकता है, लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से जो तैनात लोग हैं
उन्होंने उस गाड़ी को कैसे जाने, बस को कैसे जाने दिया, ये सब सवाल हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इसकी भी समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए।